जब मैं 20-21 साल का था तो मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। मेरा एक दोस्त बड़ा जो जिसने मुझे बोला कि आई थिंक यू शुड रीड दिस बुक। आई सेड व्हाट बुक, एंड ही सेड दिस बुक विल जस्ट रीड इट, आई चैलेंज यू टू रीड इट। मुझे कुछ नहीं पता था भाई बुक्स क्या होती है, बिग बुक क्या होती है, स्मॉल बुक क्या होती है। दिस बुक हैड 800 पेजेस, मे बी 600 पेजेस। उस पर कोई किंडल नहीं होता था, 2004 का ज़माना था और सड़कें खाली होती थी थोड़ी, यू नो। एनीवेज आई रेड दैट बुक, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई थिंक इट चेंज्ड मी। 17 इयर्स एंड व्हेन यू आर यंग एंड समथिंग टचेज योर माइंड, आई थिंक आई वाज 22, आई एम फॉरगेटिंग हाउ ओल्ड आई वाज, 20 आई थिंक, या लेट्स कीप इट 20। I read that book and it really helped me change my mind. So if you are 20, 22, I could change your life, man. Get that book. The link is in the description. If you are 34, should you read it? I'll let you answer that. Today we are going to review Jim Beam. Jim Beam ka review karenge. Jim Beam Bourbon. Bahut logon ne iske bare mein chehke lagayi hai. Bola hai iski kalakari dikhaiye aap asli ka. मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। ये जिम बीम सिखाएगी मेरे को आज। ये हरियाणा की बोतल है, मुझे गिफ्ट की थी किसी ने मेरे बर्थडे के दिन या एनिवर्सरी के दिन या कुछ किसी पार्टी में तो किसी ने गिफ्ट किया था। और जिस बेवकूफ़ ने गिफ्ट किया था वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है या बेवकूफ़ लड़की है कि उन्होंने बताया भी नहीं कि उन्होंने गिफ्ट किया है, तो मेरे को आज तक पता ही नहीं चला। एनीवेज लेट्स टेक अ सिप। प्रोफाइल चेक करेंगे इसकी, थिन प्रोफाइल है, बिटवीन थिन एंड थिक प्रोफाइल है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। अल्कोहल परसेंटेज थैंक गॉड 42.8 है, जैसे मुझे पसंद है। ये मत कहना फ़र्क नहीं होता, बहुत फ़र्क होता है। बरखुरदार जो 10 ड्रिंक पीता है उसको फ़र्क नज़र आता है, तुम लोगों को आए ना आए। स्मेल से लाजवाब, अमेजिंग मॉल्टी बार्ले, धितकार पाकिस्तान, चहक महक। एक सिप लेते हैं। क्या फ्यूम है यार, कानों से हवा, कान गर्म हो रहे हैं ड्यूड। ओ बॉय, मीठी भी है यार, एक इसका एप्पल टाइप टेक्सचर भी आ रहा है। यहाँ पे लिखा है जेनुइन बीम बोर्बन। ओके, जिम बीम इज जेनुइन, दिस इज अ जेनुइन बॉटल, 1795 फ्रॉम फ्रैंकफर्ट केंटकी। यार केंटकी जाना यार, केंटकी यूएसए मैन, यूएसए की क्या चीज है, क्या तबीयत है, क्या दुरुस्त है। अमेरिकन विस्कीज की भी क्या बात है, जैसे कि जैक डैनियल्स एंड जिम बीम। हु वाज द बेस्ट लुकिंग गाय, आई वांट टू से जेरेमिया बीम, उनको अंदर ही सकोर दे। सॉरी फॉर दैट। मुझे जरूर एक बर्बन की याद आ रही है, एक टेनेसी की याद आ रही है, जैक डैनियल जेडी जैकू जैकी श्रॉफ उसकी भी याद आ रही है। जैक डैनियल से मिलती जुलती है ये जिम बीम, इट्स प्रीटी गुड। सत श्री अकाल जी, अगर आप अभी आए हो, अभी जागे हो, तो जिम बीम का रिव्यू हो रहा है। पहले ही ड्रिंक का मुकदमा चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। स्मेल इसकी अच्छी है, थोड़ी फ्रूटी है, थोड़ी एप्पल पेयर क्रम्स वाली फीलिंग है। थोड़ी बहुत इसकी स्मेल कन्फेक्शनरी आइटम्स जैसी है, जैसे कन्फेक्शनरी समझते ब्रेड। इमीडिएटली जो मेरे माउथ में फीलिंग आ रही है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई भी मैंने गूगल कुछ भी नहीं करा, तो फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे कि स्पेसाइड विस्की की जो फीलिंग आती है, फ्लोरल टेक्स्चर्स वाली, वो वाली फीलिंग आ रही है। उसके साथ ही मैं कहूँगा थोड़ी हनी गैसियस फीलिंग भी आ रही है, जैसे आपकी जैक डैनियल विस्की में आती है। ओवरऑल ज़्यादा इसकी पहचान नहीं हो पा रही, मैं गुफ्तगू मेरी थोड़ी ज़्यादा नहीं हो पा रही इसके साथ, वो इसलिए है बिकॉज मैंने अभी तक बर्फ़ डाल के नहीं इसको बनाया, तो बर्फ़ के भी कुछ गोले लेके आया हूँ मैं। थोड़ी सी इसको और चहकता हूँ। 35 ml का मैंने बना लिया है सिक्का। ओके, 1 cube ऑफ आइस, sorry, I have 2 globes right here,
ओके सो देखिए कितना डाल रहा हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा डालूंगा मैं, पहले ड्रिंक है। ओके आई पूरे जेनरस अमाउंट पानी के साथ, आइस के साथ। रिव्यू हो रहा है जिम बीम का। मेरा नाम है कवर आनंद। सिप करने लायक नहीं था ड्रिंक, तो मैंने उसको ख़त्म कर दिया एक झटके में। मैंने कहा ना मेरी आज प्यास बहुत है, मेरी भूख बहुत है आज। थोड़ी बहुत फील आई है, थोड़ा बहुत हिला हूँ मैं। ओवरऑल मैं कहूँगा, चलिए सेकंड ड्रिंक, 5 मिनट और वेट करते। मैं इसलिए 5 मिनट वेट सोचना क्या, अभी करके दिखाते। 2 हो चुके अपने। सबसे सिमिलर मुझे लग रही है ये जैक डैनियल से, लेकिन जैक डैनियल से काफ़ी अलग है। थोड़ी बहुत ये कंट्री विस्की की वाइब है इसमें। कंट्री विस्की सब बोले तो एक रॉनेस है ये मिस्टर तोकस फोकस। काफ़ी रुबाब वाली, काफ़ी गुड लुकिंग बॉटल है। हाथ में पकड़ के ऐसे पीने में क्या मज़ा आता होगा देखते। ओके ये मेरा फाइनल नीट शॉट था, बट ज़्यादा फ्लेवरफुल भी है। जैक डैनियल्स में ज़्यादा फ्लेवर है, वो ज़्यादा फ्लेवरफुल है। जिम बीम में कम फ्लेवर से कम फ्लेवरफुल है। जिम बीम क्या द फिनिश इज़ अमेजिंग। जो मेरे भी पैलेट से मेरी जो स्मेल आ रही है, इट्स ऑल्सो वेरी गुड, जस्ट लाइक जैक डैनियल्स। वेन यू हैव जैक डैनियल्स यू फील इज़ वेरी गुड। सेम वे जिम बीम का भी जो आफ्टर टेस्ट है आपके माउथ में, इज़ वेरी गुड। ओवरऑल आई थिंक जिम बीम इज़ रियली इम्प्रेस्ड मी। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो मेरे ख्याल से ये 2000 रुपये की आती है, विच इज़ अ वेरी गुड डिसेंट प्राइस। रिकमेंड करूँगा इसको क्योंकि ऑल्दो मैंने खाली 2-3 ड्रिंक पिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं 4-5 पी चुका हूँ, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक लाजवाब चीज़ है। कंपेरिजन में अगर इसका करूँ किसी भी चीज़ के साथ, तो मैं कहूँगा जो सिंगल मॉल्ट का कोर्स फ्लेवर होता है वो जिम बीम में प्रेजेंट है। होता क्या है, सिंगल मॉल्ट सुनने में बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड नाइस साउंड करती है, बट सिंगल मॉल्ट आपके चीथड़े उड़ा देगी अगर उड़ाने पे आए तो। सिंगल मॉल्ट्स में एक कोई है क्या सिंगल मॉल्ट आसपास? 12 पड़ी है, ग्लेनलिवर 12। आपको लगती होगी यार बड़ी प्यारी है ये वो, बट जब ये उड़ाने में आए ना, ये अच्छे खासे इंसान को उड़ा दे। जस्ट शोइंग यू सो दैट यू नो कि अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो सिंगल मॉल्ट विस्कीज हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। पॉल जॉन बोल्ट पी के देखो, चीथरे उड़ जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। जिम में बीम में भी वो बात है, इट हैज़ दैट सिंगल मॉल्ट काइंड ऑफ अफ्लुएंशियल फ्लेवरिंग। मैंने भी कुछ देर पहले कहा स्पेसाइड विस्की से मिलती जुलती है, वो मैंने इसलिए कहा बिकॉज इसके काफ़ी सारे नोट ज़्यादा फ्लोरल है दैन आई वॉज एक्सपेक्टिंग। बिकॉज इसका ओवरऑल नेचर, इफ देयर इज वन वे टू डिस्क्राइब जिम बीम इन द इंग्लिश लैंग्वेज, I would say it is a very coarse man's drink. It is a rugged drink. It is a very manly drink. देखिए इसमें ज़रूर रम वाली फीलिंग आ रही है मुझे, लेकिन रम और वॉडका वाली फीलिंग आ रही है मुझे। मुझे ज़्यादा विस्की वाली, बर्बन वाली थोड़ी बहुत चहक आ रही है, बट इट्स नॉट ऑल दैट। तो मैं जिम बीम को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं दूंगा इसको 10 में से 7 मार्क्स, क्योंकि ये अच्छा ड्रिंक है, यकीन मानिए बहुत अच्छा ड्रिंक है। जैक डैनियल से शायद थोड़ा सस्ता भी है, बट अभी मुझे ये फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स ट्राई कर चुका हूँ, आई हैव डन ओवर 100 अल्कोहल वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, इवन दो आई हैव जस्ट अ वेरी मॉडेस्ट ऑडियंस, बट इसकी मैं अभी तक रग रग से वाकिफ नहीं हो पा रहा। बट मुझे अच्छा ज़रूर लगा ये ड्रिंक, बुरा मैं इस बार भी यही कहूँगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कैसे पियूं। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। चीर के देखो बाबू मोशाय, गुड बाय कर देता है। नीट नॉट रेकमेंडेड, विथ वाटर नॉट रेकमेंडेड, विथ डाइट कोक रेकमेंडेड, बिकॉज